बाहर ही आते घंटे में डिस्पैच हो गई यहाँ पे। जी मोहसिन कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जबरदस्त इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। जबरदस्त। नवीद साहब आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत फन हो रहा है। आप दो हफ्ते पहले भी एक जगह गए थे, वहाँ से यहाँ को कंपेयर करें थोड़ा सा। सर ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत जगह है, इस जगह पे आना चाहिए और हमें आउटिंग करनी चाहिए। माशाल्लाह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सेहत के लिए अच्छा है। आप अपनी फैमिली के बगैर आ जाएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? सर मैं मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे हैं तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम उनको भी लेकर आइएगा। ये आप डर के तो नहीं बोल रहे? वीडियो तो उनके पास जाएगी ना ये वाली। वसीम साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दो हफ्ते पहले आप किसी और जगह भी गए थे, उसके बाद आज आप यहाँ पर आए हैं, वो जगह के बारे में और यहाँ से ज़रा कंपैरिजन करके। दो हफ्ते पहले मैं इधर ही आया था। नहीं नहीं नहीं, आप दो हफ्ते पहले उधर गए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप लोग वहाँ पर गए थे। उससे और इससे कंपैरिजन, हाँ यूँ समझने कि हम पहले वो ज़मीन पर थे, अब अर्श पे हैं। अर्श पे हैं, अच्छा वो अच्छी जगह नहीं थी इसका मतलब। सिद्ध साहब आप तो माशाल्लाह रहते पहाड़ी इलाके में हैं, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर पानी जो है यहाँ का कुछ ज़्यादा ही साफ़ है। कलर कार में तो था, इतना पानी वो साफ़ नहीं था। अच्छा कलर कार का पानी साफ़ नहीं था? हाँ। अच्छा यहाँ का पानी साफ है? कंपेयर करें तो ये ज़्यादा शफाफ है। गुड। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आके आज यहाँ पे? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं? वेरी गुड, इंजॉय करें। अभी तो और भी इंजॉय करेंगे जी। अभी इस वक्त बारबेक्यू के लिए तैयारियाँ हैं और इधर नवीद साहब अंगीठी गर्म करके बैठ चुके हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर में सीखे लगेंगी और हमारे पास बारबेक्यू है, साथ रोटियां हैं, चटनी है और हम रास्ते से सेवर भी लेकर आए थे। कीप इन टच।